आशंका थी और पूरा विश्वास भी था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को मोदी सरकार घिनौने षड्यंत्र से जरूर रद्द करेगी, और वही काम उन्होंने किया है। बिल्कुल जो तत्परता दिखाई है वो उनकी द्वेष से ग्रसित राजनीति की है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे थे, अब वो और प्रखरता से और प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ठान ली है कि सच को सच बुलाने की, चोरों को चोर बुलाने की, अडानी पर सवाल पूछने की हर वो कीमत अदा करने को तैयार है। असलियत तो यह है कि सदन की इस तस्वीर को, जिससे आपकी कलाई खुल गई, जिससे अडानी के आपके संबंध पर सवाल उठ गया, इसने तानाशाह को बौखला दिया था, इसने तानाशाह को घबरा दिया था। तानाशाह को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आपने राहुल जी का माइक म्यूट किया, संसद को म्यूट किया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया और अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्य को दबाया जाता है, सत्य और मजबूत बन के उठता है। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था और आज राहुल गांधी के साथ भी ये हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि सत्ता की जरूरत आपको है विपक्षियों को दबाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है निरंकुश पुलिस के लिए, कठपुतली एजेंसियों के लिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए। सत्ता की जरूरत हमें नहीं है सच को सच कहने के लिए और अडानी पर आपको घेरने के लिए, आपके संरक्षण पर सवाल उठाने के लिए। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज दबा देंगे तो आप मुगलते में हैं। ये देश उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा हुआ है आपकी इस तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि तानाशाहों से सिर्फ एक बात कहनी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये लड़ाई तो सच की है, ये इस देश के लोकतंत्र की है, ये इस देश की आत्मा के लिए है। तैयारी आप कीजिए।